थोड़ी छड़ देनिया ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू अपना जीवंदा जां मुरदा मदाने जंग अंदर पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं, जे अपने विच इकट्ठ होवे। घुमंड चंद की कीती हुई तकरीर ने पहाड़ी राजियां दे हौसले बुलंद कर दिते, उन्हां दे खून विच जोश भर दिता। वाकई घुमंड चंद की इस स्पीच ने, तकरीर ने पहाड़ी राजियां नू लड़न लई तैयार किया। उस तकरीर नाल डरे हुए पहाड़िए फिर जोश विच आ गए और सब राजियां ने सहमति प्रगटा दी कि श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो डरना नहीं चाहिए। घुमंड चंद कहिंदा, दुश्मन नू जां तां छेड़ो ना, जे छेड़िया फिर मारना चाहिए। आओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज के विरुद्ध आपां नू इकट्ठे होना चाहिए। इस तरह पहाड़ी राजे घुमंड चंद ने श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू अपना गहरा शत्रु दसिया। बिना दंड ते कोई न जाने, प्रजा दीन भी त्रिसगत ठाने। कहिंदा बिना दंड तो, बिना सजा तो आपां गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो इस खौफ तो मुक्त नहीं हो सकते। ते घुमंड चंद ने कहा, अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज का डर रखोगे, कल नू तुहाडियां रियासतां दे लोक भी तुहाडे खिलाफ हो जाणगे। भीम चंद कहलूरिए नू पुछो, किन्ने पिंड गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल रल गए ने, किन्ने बागी हो गए ने। इस वक्त कणक की उगराई सरकारी खजाने विच नहीं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के आनंदपुर साहब पहुँच गई है। इदां घुमंड चंद ने कहा, पिंडां दे पिंड फिर तुहाडी गुलामी नहीं करनगे, परजा तुहाडे खिलाफ हो जाएगी। जग में ऊच के नीच समाजा, दंड देन ते सरे सुखाजा। घुमंड चंद कहिंदा, भावें कोई उच्चा होवे नीवा होवे, दंड तो बगैर नीचे गुलाम हुंदा। कोई भी होवे परजा नूं भी दंड देना पैंदा, फिर गुलाम रहिंदी, डराउणा पैंदा। इदां डर तो बगैर कोई गुलाम नहीं हुंदा। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं गुलाम करना है, उन्हां नूं डर विच रखना पवेगा। सुनत घुमंड चंद को आशे, बूब चंद मुन बाग प्रकाशे। कहिंदे घुमंड चंद दी तकरीर स्पीच सुन के नाल ही बूब चंद राजे हंडूरीए ने भी यह गल कह दी, बिल्कुल सही गल है। जोश भरिया बाही धार दे पहाड़ी राजे वक्के गुरु गोबिंद सिंह महाराज के खिलाफ एकजुट हो गए। जथा जोग दुमनी ते उचारी, उचित न मिटे मान कर हारी। जेने दो चार राजे ना हंदे जा होर हमेत रखते सन, वह भी डर गए कि हुण इन्हां राजें दे खिलाफ थोड़ी असी विरोधी हो सकते। जे ये बाकी बाई धार दे 18 राजे नाल ने ते चार जने की करनगे। उन्हां चौं राजें ने भी सहमति प्रगटा दिती। इस तरह बाई धार दे राजियां ने श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के खिलाफ पै देण और गुलामी करन दा मता पास कर लिया। इस तरह फिर उन्हां राजियां ने आपस में सलाह कर ली, कहिंदे राजियां वास्ते ये चंगी गल नहीं है कि असी राजे भी होइए ते डर के अंदर बैठे रहिए, फिर तो प्रजा भी खिलाफ हो जाएगी। जे राज करना है फिर इस तरह नहीं राज होएगा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਪੈ ਡਰ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੋਰੇ ਸਿੰਘ ਅਵੇ ਗੁਰ ਤੀਰ, ਲਰੋ ਭਲੇ ਗਏ ਲਟ ਕਰ ਵੀਰ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इस तरह उन्होंने सब ने सहमति प्रगटाई। हर राजा अपनी विचार विच हुण उल्ट हो गया। देखो साडी भूमि साडा राज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ओहदे खालसे घुमणे अभी बर्दाश्त थोड़ी करांगे। वह जिथे उन्हां दी जगह रहण, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ले पाबंदी लाओ कि आनंदपुर साहब तो बाहर जे उन्हां दा कोई सिख जां उन्हां नूं वेख्या साड़ी रियासत में कोई नज़र आया तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं डर दिओ, असी आनंदपुर साहब उत्ते हल्ला करांगे। इस तरह मसलत भाव मता पहाड़ियों का पास हो गया। उन्हें आपस में मसलत करके मता पास करके एक बार चिट्ठी लिखनी चाहिए है, जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज पवंद ना रहन, आनंदपुर साहब के हल्ले की तैयारी करो। सकल समाज तैयार को कीन, गुलका यार बरूद परलीन। तां फिर उन्हां कह दी, नाल प्रबंध करो, गुलका बरूद भाव गोलियां बरूद इकट्ठा कर लो। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना मन्नण
आनंदपुर साहब ते बेझिझक होके हल्ला कर दईए। सतगुर के डिग लिखे पठाए, अब लौटरे रहे गम खाए। तब फतेह शाह राजा नहंदा उन्हें थोड़ी जे दबदी आवाज विच कहा, कहना फिर हथियार कट्ठे कर ही लो, फिर विरोध गोलियां कट्ठियां कर लेनियां चाहीदियां। क्यों? उन्हूं इस गल का पता है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं जिहड़ी डर वाली चिट्ठी लिखण लगे ने, वह गुरु डरन वाला नहीं है। उस दे घर विचों तां सदा ही आवाज आउंदी है, भै काहू को देत ने नै भै मानत आन। ना गुरु का घर किसी नूं डर दिंदा, ना किसी का डर मनदा। ये पहाड़ी मूर्ख राजे डराउण दी चिट्ठी लिखण लगे ने। फतेह शाह दमवीं आवाज विच कहिंदा है, गुरूद बरूद गोलियां इकट्ठियां करो, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के खिलाफ तैयारी कर लो। फिर उस वक्त स्याही कागज कलम दवात मंगाई गई, भरी सभा विच पहाड़ी राजियां वालों चिट्ठी लिखनी शुरू कीती। विदार कर सिंह सिदार, लूट कूट क्रिख मानव मार। कहिंदे इस तरह फिर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के खिलाफ चिट्ठी लिखी। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, अज बाई धार दे पहाड़ी राजियां दी एकत्रता होई है। यह मता सख्ती नाल पास किया गया है कि जे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जां उन्हां दा कोई खालसा आनंदपुर साहब तो बाहर हदूद कहलूर जां हंडूर दी रियासत विच वेख्या गया तां हशर माड़ा होएगा। तुमने टरो हीर हम हारे, अब बाजेंगे लोह करारे। ते थले लिख दिता वे, जे तुसी फेर भी नहीं हटोगे, बार बार साडी रियासत विच आओगे, आनंदपुर साहब तो बाहर जाओगे, अपनी हद तो बाहर जाओगे, फिर तुहाडे नाल करारा लोहा लिया जाएगा। भाव मदन ने जंग विच अपनी जंग होएगी। नाहे दैत को पाए न फेरे, बैठे रहो हरक जुत डेरे। कहने साडा तुहाडे नाल कोई हरख नहीं है, अपने डेरे विच रहो, आनंदपुर साहब तो बाहर नहीं। जे तुसी श्री आनंदपुर साहब तो बाहर गए, भाव साडी रियासत विच कोई तुसी जां तुहाडे सिंह घूमदे वेखे, तोड़े नाल साड़ी कमसान जंग होएगी। सभा मजार लिखियो जब आयो, श्री कलगीधर सो बढ़वायो। कहने इस तरह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिया नूं डराउण वास्ते भयभीत करन वास्ते चिट्ठी लिखी गई कि तुसी आनंदपुर साहब तो बाहर नहीं जा सकते, साड़ी रियासत विच तुहाडा कोई सिंह नहीं दिसना चाहिए। जे तुसी आनंदपुर साहब तो बाहर किसी रियासत विच नज़र आए, तुहाडे नाल आ हशर होए। कुछ डरावनियां गल्लां धमकी दे रूप विच यह चिट्ठी पहाड़ी राजियां ने लिखी। बाई धार दे बाई राजियां ने हस्ताक्षर किते। इस चिट्ठी नूं फिर श्री आनंदपुर साहब वल दूत दे हथ कल दिता गया। सब राजे इकट्ठे पुन होली तन बोध। कहिंदे इस तरह फिर वह चिट्ठी भेज दिती गई। राजे तैयारी करन लग पे, उड़ीक करदे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जवाब दिंदे ने। कल्ले हुए दूत नूं यह हदायत की गई कि भावें एक रात रहना पै जाए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिया नूं कहना सानू जवाब दिओ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जवाब लेके आना, वह मनते ने जां नहीं मनते। सात संगत, गुरु नानक साहब महाराज के घर के अंदर निम्रता भी बहुत है। मैं परसों जहाँ भी बेनती की सी, गुरु का हिरदा कोमल भी बहुत है, गुरु कठोर भी बहुत है। गुरु का हिरदा कोमल इन्ना है, कोई फुलां दी कली भी टाणी नालों टुट जाती है। गुरु हर राय साहब महाराज कोमल हिरदे नाल पसीज जाते ने, फुल चुक के फिर जोड़न लग पैंदे ने। छेवें पातशाह ने कहा सी गुरु हर राय साहब महाराज नूं, टुटिया होया फुल जुड़ेगा नहीं। वड्डियां पोशाकां पहनण वालियां दीआं जिम्मेवारियां वड्डियां हो जांदियां ने। जे चोले वड्डे पाने ने फिर जिम्मेवारी भी वड्डी है, चोला सांभ के तुरिया करो। सारी उम्र गुरु हर राय साहब महाराज चोले की कन्नी पकड़ के तुरते रहे। हिरदा बड़ा कोमल है, फुल टुटन उत्ते भी गुरु का हिरदा कोमल है, वह हिरदे दया नाल भर जाता है। पर जदों गल कठोरता दी आई, उदों सतवें पातशाह ने अपने ही पुत नूं कह दिता सी, मेरा तेरे नाल कोई रिश्ता नहीं, जिधर तेरा मुँह है उधर चला जा। गुरु कठोर भी इन्ने साध संगत, इसलिए गुरु नानक के घर में भगती शक्ति रवाब नगारा माला ते शमशीर
ये विचला सिद्धांत एक जगह पर इकट्ठा किया गया। सतगुर सच्चे पातशाह कृपा बख्शिश कर सानू समझ आ जाए। अज पहाड़ी राजिया ने चिट्ठी लिखी, महाराज आनंदपुर साहब तो बाहर नहीं तुसी दिसने चाहिए, जे तुहाडा कोई सिंह खालसा आनंदपुर साहब तो बाहर साडी किसी रियासत विच आया फिर तुसी जंग लई तैयार हो जाओ, जिन्नी तुहाडी जगह आनंदपुर साहब तो बाहर तुसी नहीं जा सकदे। चाहत लरियो फिर तुम संग, रन प्रै सुन के निर्बन गुडंग। कहिंदे हे गुरू गोबिंद सिंह महाराज फिर सानू कुटंग वरतना पएगा, भाव असी ढंग नाल नहीं पेश आवांगे, फिर तुहाडे नाल किसी होर तरह पेश आवांगे। इदां कोई डरावनी चिट्ठी लिखी, हस्ताखर किते 22 धार दे राजिआं दी चिट्ठी दूत दे हथ आनंदपुर साहब भोए दित्ती गई। लिखवायो उत्तर तत्काला गिरदेशन को राज विशाला। कहिंदे ओह चिट्ठी श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दरबार विच पहुंची, सिखां बेनती कीती महाराज पहाड़ियां ने कोई दूत घल्लिआ है सुनेहा लै के। पातशाह ने कहा जिवें कीर्तन समाप्त हुंदा है पहाड़ियां दी आई हुई चिट्ठी संगत विच पढ़ के सुनाई जा। जिवें कीर्तन दी चौंकी दा भोग पिया नाल ही पातशाह दे हुक्म नाल पहाड़ियां दी डर देण वाली धमकी वाली चिट्ठी श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दरबार विच पढ़ी गई। हजूर सुनने तों बाद मुस्करा रहे ने कोल खलोते खालसे, हथ तलवारां दीआं म्याना ते चला गया। सिखां खालसिआं दे अंदर जोश भरिया है, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज हुण की हुक्म देणगे। खालसे चिट्ठी दे अल्फाज सुन के जोश विच आए ने पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज हल्का जिहा मुस्करा रहे ने। करे अखेर ब्रित जब जय है कुआर परे दसेंगल रहे। चिट्ठी दे बोल लिखे हुए सन, जे किसे दून में तुहानू फिरदिआं वेख लिया ना जां तुहाडे खालसे नूं तां फिर नहक्की जंग होएगी, असीं तुहाडे नाल ढंग नाल नहीं ढंग पेश आवांगे। तो इत कहां त्रास को तारे बैठ रहे ने बहर पधारे। कहिंदे धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बड़े सहज विच मुस्करा रहे ने। एक चीज होर जिंदगी वे ध्यान विच रखियो, कौमां दी अगवाई करन वाले लोग वाकई बहुत जिगरे वाले, पेशेंस वाले, सहनशीलता वाले, दूर अंदेश होने चाहिए। जदों किसी फौज का जरनैल जड़ा है वह पेशेंस गवा लवे, सहज गवा लै, वह कौमों का नुकसान कर दे। इसलिए बहुत दूर अंदेश और बड़े ठंडे जिगरे वाले आगू कौम में होने चाहिए ने। तुसी परिवारों वाले बैठे हो, कौम चलानी तो बहुत वड्डी गल है, पंथ दी अगवाइयां तो बहुत अगे की गल है। एक छोटा जिहा चार पांच मैंबरां का घर चलाना होवे ना, घर का मुखी भी बड़ा पेशेंस वाला चाहिए।